हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार, स्वागत करता हूँ आपका माय स्ट्रेस कैटिजन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बातें करेंगे कि आप सॉलिड वर्क में रैप का यूज कैसे करते हैं। रैप का हिंदी होता है जागर, ठीक है। तो सॉलिड वर्क में इसका यूज कैसे करते हैं आज की क्लास में हम ले जानेंगे। पहले हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके एक हम सर्कल बना लेते हैं जिसके डायमीटर जो होगी वो 50 mm हम डाल देते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम 45 mm। और हम मिड प्लेन कर देते हैं और इस पार्ट पे हमें रैपिंग का यूज करना है। तो रैपिंग का यूज करने के लिए पहले हमें फ्रंट प्लेन या फिर राइट प्लेन, कोई सा भी प्लेन सिलेक्ट करके उस पे एक स्केच बना लीजिए जिस टाइप की आपको रैपिंग बनानी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्प्लाइन से एक स्केच बना लेता हूँ। मैंने ये एक स्केच बना लिया, ठीक है, और बाहर आ जाता हूँ स्केच से। उसके बाद ऑफसेट कर लेता हूँ, ऑफसेट मैंने 10 mm कर लिया, रिवर्स डायरेक्शन में कर लेता हूँ, इंडिकेप लगा देता हूँ उसका, ठीक है, और ओके कर देता है। ओके करने के बाद से अब हमें इजिट स्केच हो जाएंगे। इजिट स्केच होने के बाद से फीचर में आएंगे। फीचर में आने के बाद से रैप पे आप क्लिक करोगे। रैप पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या जो स्केच बनाई है ना उसको आप सिलेक्ट करें। स्केच को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको रैप टाइप मिलता है। रैप टाइप में जो है आपको पहले मिलता है इम्बोज। इम्बोज करोगे तो वो क्या होगा, उस पर एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके का एक्सट्रूड हो जाएगा, इस पर ऊपर की तरफ एक परत चढ़ जाएगी। और अगर आप दूसरा ऑप्शन है डिवोर्स करोगे तो इस पे जो है एक्सट्रूड कट हो जाएगा, उससे मटेरियल रिमूव हो जाएगी उसी शेप एंड साइज की, ठीक है। जो साइज आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। और आप स्क्राइब करना चाहते हो अगर तो इसको सिर्फ वो सरफेस कटिंग हो जाएगी, उसी तरीके की अलग सरफेस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके हम देख लेते हैं इसको। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से रैप टाइप में भी कोई सा मेथड आप सिलेक्ट कर लो, ये कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। ये हमने पहला ही मेथड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से स्केच हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद से सरफेस आपको सिलेक्ट करनी है, ये हमने सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से थिकनेस आपको देनी है, क्या थिकनेस आप देना चाहते हो उसकी थिकनेस आप 2 mm दे दिया, ठीक है। उसके बाद से उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फुल डायरेक्शन ये भी है, डायरेक्शन चेंज करने का ये तरीका है, ठीक है। और ओके करो आप, ये देखिए इस तरीके से इस पार्ट पे रैपिंग हो गई। अगर इसी को एडिट फीचर करके हम लेते हैं और दूसरी वाली ऑप्शन टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ओके करते हैं तो वहां से मटेरियल जो है रिमूव हो जा रही है, देख रहे हैं। और उसके बाद से हमने फिर तीसरा जो ऑप्शन लिया है ये हमने ले लिया, ठीक है, और ओके किया तो ये देखिए सिर्फ ये फेस। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये हमने सिलेक्ट करके और फेस को सिलेक्ट किया, फेस को सिलेक्ट करने के बाद से इसकी कलर हमको सभी ग्रीन दे दिया और इसको हम पूरी इसका फेस हम कलर जो है वो हम अलग डाल देते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिर से हम तो मुझे लग रहा है आपको जो भी रैपिंग को लेकर के कंसेप्ट थी वो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।